बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है फील्ड्स ऑफ फोर्स। जैसे कि नाम डिस्क्राइब कर रहा है कि कोई फील्ड होगी, कोई रीजन होगा जहाँ पे आप किसी फोर्स को फील कर सकेंगे। ऑब्वियसली चूँकि ये चैप्टर चार्जेस के बारे में है, तो ये जो फील्ड ऑफ फोर्स है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड होगी जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया हमने ग्रेविटेशनल लॉ का और कूलम्स लॉ का, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें, क्या क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा देख लें। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ने दिया था, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्योंकि कूलम्स लॉ जो है वो कूलम ने दिया था और वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। इन दोनों के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, एफ जी इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू ओवर आर स्क्वायर, वेर इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स इसके बनता है। दिस एक्सप्रेशन एफ ई इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। अब अगर आप नोट करें तो इन दोनों की जो फॉर्म है, इनकी जो शक्ल है वो सेम है। दोनों में एक एक कॉन्स्टेंट अपेयर होता है, यहाँ जी, यहाँ की, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, और दोनों जो है वो डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों की फॉर्म जो है वो सेम है। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस हैं, ये दोनों लॉज जो हैं, चूँकि ये सेम फॉर्म के हैं, तो हम इनको कह सकते हैं कि इनका जो ग्राफ है, इनका जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है। ठीक है, खैर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये कुछ सिमिलैरिटी आपने देख ली है, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है, जबकि कूलम फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो चार्जेस इन्वॉल्व हैं, जिनके बीच में आप फोर्स देख रहे हैं, वो उनका नेचर सेम है या फिर वो डिफरेंट नेचर है। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा कंपैरिजन ग्रेविटेशनल लॉ का और कूलम्स लॉ का। हम यहाँ पे हमारे पास दो अहम क्वेश्चन हैं जो कि कोई भी बंदा सोच सकता है। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करेंगे इस टॉपिक के। तो सबसे पहला सवाल जो है वो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इनका ओरिजिन क्या है, किस तरह से ये फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं, क्या चीज़ है जो इनको प्रोड्यूस करती है। तो अभी इस लेवल पर, इंटर लेवल पर आपके लिए इसका आंसर करना जो है वो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इस लेवल पर हम यही कहते हैं कि इसका आंसर जो है वो अननोन है। इनकी जो एग्जिस्टेंस है इन फोर्सेस की, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इन दोनों की एग्जिस्टेंस जो है हम उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं या एज इट इज़ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो अहम सवाल है अब वो ये है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये ट्रांसमिट किस तरह से होती है, और इनकी जो ट्रांसमिशन है ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इनकी ट्रांसमिशन जो है ये एक काबिल गौर, एक ज़ेर गौर टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन को डिस्कस करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की ट्रांसमिशन को हम यहाँ डिस्कस नहीं करें। तो चलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रांसमिशन को डिस्क्राइब करने के लिए माइकल फेरेड ने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया फील्ड ऑफ फोर्स, यानी कि कोई एरिया होगा जहाँ आप फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते होंगे। तो अगर ये एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज का है तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स कह देंगे, या फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि आप किसी तरह भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की फील्ड ऑफ फोर्स को डिस्कस करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमें माइकल फेरेड ने दिया। राइट, तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
ऑब्जेक्ट्स की क्या नेचर होती है और हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस। यानी कि आप कोई भी चार्ज ले रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सपोज़ आपके पास वो चार्ज है कि इसके अराउंड कोई एरिया होगा जहाँ पर अगर आप कोई दूसरा चार्ज लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक और चार्ज रख लिया, इसको मैं क्यू नॉट कह देती हूँ। तो इस एरिया के अंदर जब आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो इस चार्ज का इफ़ेक्ट ये दूसरा चार्ज फील करेगा। अब यहाँ इफ़ेक्ट से क्या मुराद है? इफ़ेक्ट से मुराद है फोर्स। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ पे वो चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है या कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो रीजन जो है, वो एरिया जो है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी चार्ज होगा उसके अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी और ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बाय नेचर उसके साथ एग्जिस्ट करेगी। जहाँ भी चार्ज होगा उसके साथ उसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर चार्ज जो है वो अपने अराउंड की फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने बताया, जहाँ भी चार्ज होगा वहाँ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। चूँकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो चार्ज उसको अपने अराउंड प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो ये एक चार्ज है मेरे पास पॉजिटिव क्यू, इसके अराउंड जो है ये जो डॉट्स के जरिए शो किया गया है ये बेसिकली उस फील्ड का रीजन बताया गया है। ठीक है, तो जहाँ भी कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये फील्ड जो है हमेशा चार्ज के साथ एग्जिस्ट करेगी। राइट, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उसका तरीका हम पढ़ने लगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हमें एक दूसरे चार्ज की ज़रूरत होती है, क्यू नॉट, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम थोड़ा बाद में जाके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि अगर ये चार्ज मौजूद है हमारे पास तो हम उसके ज़रिए प्रेजेंस किस तरह से टेस्ट करें। ठीक है, तो क्या होता है कि एक चार्ज क्यू नॉट जो है वो दूसरे चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो चार्ज क्यू नॉट है इसको हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो क्यू क्या करता है, जो हमारा ओरिजिनल चार्ज है जिसकी फील्ड को हमने टेस्ट करना है, फौरन से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे कि आपको ये बाउंड्री नज़र आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट के साथ इंटरैक्ट करती है। क्यू नॉट इस वक्त यहाँ पर होता है। ठीक है, क्यू नॉट के साथ इंटरैक्ट करेगी और क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं एडिशन कर दूँ कि क्यू नॉट जो है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चूँकि ये वाला एग्जाम्पल वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, तो इस Q नॉट पर अब क्या होगा, ये Q की वजह से, पॉजिटिव Q की वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी राइट साइड पर और ये मूव करता करता क्या होगा, राइट साइड पर इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। क्या होता है कि Q नॉट हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है जिसको हम उस चार्ज की फील्ड के अंदर लाते हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें टेस्ट करना है। ठीक है, जैसे ही ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है हमारे चार्ज की, तो हमारा चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट चार्ज के साथ इंटरैक्ट करती है और नतीजे के तौर पर क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, जैसे ही क्यू नॉट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो रिलेटिव डायरेक्शन में
मूव करना शुरू कर देगा और उसकी मोशन हमें बताएगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है और वो इस चार्ज पर फोर्स है। ठीक है, तो ये था तरीका कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सप्लेन करें तो ये जो फिगर के अंदर स्ट्रक्चर है, जैसे इस फिगर के अंदर भी आप देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने डॉट्स के ज़रिए इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया। ठीक है, अब ये वाली फिगर तो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप बुक पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्लोज़र रीजन है, चार्ज के जो करीब वाला रीजन है, वहाँ पे डेंसिटी ऑफ डॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं ये डेंसिटी रिड्यूस होती जाती है। तो बेसिकली ये जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है, ये आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप चार्ज के करीब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले रीजन में, तो चूँकि डेंसिटी ऑफ डॉट्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे ये डॉट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ डॉट्स कम है, लिहाजा यहाँ पर जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो भी कम होगी। तो डेंसिटी ऑफ डॉट्स बेसिकली डिस्क्राइब करता है या प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम भी देते हैं, और इसको हम ई से शो करते हैं। ठीक है, ई जो है ये इफेक्टिव क्वांटिटी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जैसे कि नाम बता रहा है कि किसी भी पॉइंट पर फील्ड की कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लेकर आना चाहें तो हम फिर से टेस्ट चार्ज को कंसिडर करें। अगर मैं ये दो पॉइंट्स कह रही हूँ कि एक पर डेंसिटी ज़्यादा, एक पर डेंसिटी कम है, तो ये डेंसिटी चेक कैसे करूँगी? वो ज़ाहिर है, मुझे क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रखना पड़ेगा। जब मैं क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रखूँगी तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, जब क्यू नॉट चार्ज यहाँ पर रखूँगी तो उस पर कम फोर्स लगेगी। उसकी वजह क्या है? वही स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि क्यू नॉट पर लगने वाली फोर्स है। जितनी ज़्यादा फोर्स क्यू नॉट पर लगेगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, जितनी कम फोर्स लगेगी क्यू नॉट पर उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के बाद हम इस काबिल हैं कि एक मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो इसकी निकाल सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स है जो एक टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूनिट्स देखना चाहूँ, एसआई यूनिट्स, तो एसआई सिस्टम में इसके यूनिट जो हैं वो न्यूटन पर किलोमीटर। मोर ओवर अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वजह से जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दिया है और उसके यूनिट्स भी डिस्कस कर रहे हैं। राइट, अब हम अपनी जो सबसे अहम चीज़ है उसकी तरफ आते हैं, वो चीज़ टेस्ट चार्ज। तो मैंने पहले कहा था कि टेस्ट चार्ज का भी हम थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज़ तो मैंने आपको यहाँ बता दी थी कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब प्रॉपर इसकी डेफिनेशन, इसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्यू नॉट जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, एक्चुअली ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी हम टेस्ट चार्ज की बात करते हैं तो हम एक ऐसा चार्ज लेते हैं, एक ऐसे साइज़ का चार्ज लेते हैं जिसका साइज़ जो है वो एक पॉइंट के बराबर होगा, बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमने
हम अगर बड़ा चार्ज यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट पॉइंट चार्ज नहीं यूज़ कर रही हूँ, पॉइंट लाइक चार्ज नहीं यूज़ कर रही हूँ, बड़ा चार्ज यूज़ कर रही हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर उसकी भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब उसकी फील्ड जो है बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमारे इस चार्ज की है, तो वो दोनों फील्ड जो है एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करेंगे। तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से हम अपने इस चार्ज के फील्ड को सही तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही वजह है कि हम एक ऐसा चार्ज चूज़ करते हैं जो हमारे ओरिजिनल चार्ज की फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करें। राइट, तो पहली बात तो ये होगी कि साइज़ जो है वो पॉइंट के बराबर होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, तो क्यों ना जो है वो पॉइंट चार्ज। नंबर टू कि ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, और इसकी नेचर जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये जो है ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे डेस्क चार्ज की। ये पॉइंट चार्ज होता है, साइज इसका बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है ये हमारे जो ओरिजिनल चार्ज है जिसको हमने टेस्ट करना है उसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे। ठीक है, दूसरा जो है वो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तीसरी बात कि ये इसकी नेचर जो है ये पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा टेस्ट चार्ज। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करने लगे हैं, जो पीछे हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। वो डेफिनेशन थी एफ। ठीक है, अच्छा तो इसमें ये एफ जो है ये हमें पता है कूलम्ब फोर्स है, जो कि हमारे उस चार्ज के तरह उस चार्ज जो हमें टेस्ट करना है उसके और पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के दरमियान में जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसकी इसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं। कूलम्स लॉ क्या होगा, 1/4 πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास दो चार्ज थे, एक प्लस क्यू था, इसके प्लस साइन में नहीं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, और ये दूसरा चार्ज तो है वो क्यू नॉट था। तो जैसे हम कूलम्स लॉ में लिखते थे ना क्यू वन क्यू टू, तो अब क्यू वन की जगह क्यू नॉट जाएगा और क्यू टू की जगह क्यू नॉट आ जाएगा, तो हमारा जो कूलम्स फोर्स का एक्सप्रेशन है वो क्यू नॉट होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमने स्पेसिफिकली लिखा है फ्री स्पेस में। अगर मीडियम होगा तो यहाँ हम रिलेटिव परमिटिविटी को भी ऐड करते हैं। राइट, ओके, तो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर फोर्स की एक्सप्रेशन को करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 πε0 क्यू क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1/q। ये वाला जो क्यू नॉट है इसको हमने पहले लिखा है, दिस क्यू नॉट इज कंसीडर्ड बाय दिस क्यू नॉट, और आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन जाता है वो होता है 1/4 πε0 क्यू यूनिट स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। This is the final expression for electric field strength या electric field intensity. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो electric field intensity है वो किस चीज़ पर depend कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके उस charge के ऊपर जिसको आप test कर रहे थे और distance के ऊपर। Distance क्या है, distance आपके इन दोनों charges के बीच वाला distance है। ठीक है, और तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। जो टेस्ट चार्ज हमने यूज़ किया था आप देख रहे हैं कि वो इस फार्मूले के अंदर से एलिमिनेट हो गए हैं, तो लिहाजा जो उस चार्ज की प्रेजेंस है वो मैटर नहीं कर रही है। तो ये है फ़ायदा टेस्ट चार्ज लेने का कि हमारी फील्ड भी डिस्टॉर्ट नहीं हुई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी जो है वहाँ से भी क्यों जो है वो एलिमिनेट हुई। ठीक है, तो आर जो है वो यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो कि फोर्स की होती है। तो चूँकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है यानी फ्रॉम चार्ज क्यू टू चार्ज क्यू नॉट, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी यानी कि चार्ज क्यू से चार्ज क्यू नॉट की तरफ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट।
इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मैंने ऐड की है वो ये है कि आप ये जो कॉन्स्टेंट है वो ऊपर एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर के लिखें तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो इसमें जरूरी हो सकता है। ठीक है, तो ये बन गया है के क्यू ओवर आर स्क्वायर और साथ आर यूनिट वेक्टर छोटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था हमारा। थैंक यू सो मच।